दे रहे हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन। सबसे बड़ी बात यह आती है कि इन युवाओं के पास तो बड़ा समय है, एक उम्र है उनकी अभी की, बहुत दिन तक वो भक्ति में लीन हो सकते हैं। उनके लिए भी कुछ ऐसे आपके पास विषय हैं कि जो उम्र काफ़ी गुजार चुके हैं और अब वो भक्ति की तरफ, जैसा अभी आपने प्रवचन में भी अपने आप में बोला था, वो क्या करें? जैसे उनकी उम्र 60 साल हो रही है अभी। प्रभु जी, आप लोगों की संस्था के द्वारा एक अक्षय पात्र करके एक कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे, क्योंकि वो बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। 5 वर्ष के बच्चों को अभी आपने संस्कारशाला के माध्यम से यहाँ पर कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनमें क्या 5 वर्ष के बच्चों को कैसे दे रहे हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन? सबसे बड़ी बात यह आती है कि इन युवाओं के पास तो बड़ा समय है, एक उम्र है उनकी अभी की, बहुत दिन तक वो भक्ति में लीन हो सकते हैं। उनके लिए भी कुछ ऐसे आपके पास विषय हैं कि जो उम्र काफ़ी गुजार चुके हैं और अब वो भक्ति की तरफ, जैसा अभी आपने प्रवचन में भी अपने आप में बोला था, वो क्या करें? जैसे उनकी उम्र 60 साल हो रही है, 52 साल हो रही है, ऐसी स्थिति में क्या करें? हम लोग सबको आमंत्रित करते हैं कि आप सब लोग आइए, सत्संग सुनिए, कथा सुनिए और अपने जीवन को बदलिए। लेकिन एक मुश्किल है जी, 60 साल से ऊपर वाला व्यक्ति जब 60 साल संसार के चिंतन में रहता है तो फिर उससे दिमाग से संसार साधारण निकलता नहीं है, वो संसार में ही रहता है। लेकिन जो युवा है, जिसने अभी जीवन की शुरुआत की है, वो जब सही सिद्धांतों को समझता और विचार करता है तो वो उस पर अमल करता है। हमारा ये अनुभव है, हम कई 60 साल से ज़्यादा लोगों को चर्चा करते हैं, वो बोलते हैं प्रभु जी बात तो आप सही कर रहे हो, लेकिन हम वही करेंगे जो 60 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन युवा जो सुनता है, समझता है, वो तर्क करता है, वो 1000 प्रश्न करता है, लेकिन अगर वो संतुष्ट होता है तो वो उसको फॉलो करता है। अभी प्रभु जी, आप लोगों की संस्था के द्वारा एक अक्षय पात्र करके एक कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे, क्योंकि वो बहुत अद्भुत कार्यक्रम है आपका। मैंने उसको ऐसा पढ़ा है ठीक से, दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हालांकि अक्षय पात्र पहले इस्कॉन का ही एक पार्ट था, लेकिन अभी वर्तमान समय में वो अलग सेवा कर रहे हैं, वो फूड फॉर लाइफ पर विशेष योगदान दे रहे हैं। लेकिन इस्कॉन अलग है और अक्षय पात्र हरे कृष्णा मूवमेंट अलग, ये दोनों अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो पार्ट उन्हीं आप ही के लोग हैं ना वो जो? नहीं नहीं, पहले हम लोगों के साथ थे लेकिन अभी वो अलग व्यवस्था है और इस्कॉन अलग व्यवस्था है। अच्छा, अभी आपने 5 वर्ष के बच्चों को अभी आपने संस्कारशाला के माध्यम से यहाँ पर कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनमें क्या 5 वर्ष के बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे? हम 5 वर्ष से ऊपर के सब बच्चों को आमंत्रित करते हैं, संस्कारशाला में शिक्षा दे रहे हैं, जिससे वो भौतिक स्कूल में जाकर के भौतिक शिक्षा लें और यहाँ मंदिर में आए हफ्ते के हफ्ते। और उनके लिए हमने विशेष फीस रखा है, वो 1000 रुपये, और उसमें उनको प्रसाद देंगे और उनको संस्कार देंगे। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, जब व्यक्ति कुछ देता है तो गंभीरता से लेता है जी, और कुछ देता नहीं है तो फिर कभी मुंह उठा के आएगा, कभी चला जाएगा, फिर मन होगा आ जाएगा। तो हमें सीरियस लोग चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है, संस्कारशाला खोली है, कि लोग भौतिक शिक्षा पूरे हफ्ते संसार की शिक्षा लें और हफ्ते में एक दिन संडे के संडे 2 घंटे के लिए अपने बच्चों को भेजें, जिससे वो संस्कारवान बने। अभी पूरे देश में, मतलब खासतौर विदेशों की अगर बात करें, तो आप काफ़ी इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और आप लोग उन मतलब एक विषम परिस्थितियों में भी काम करते हैं, अफगानिस्तान में और सारी जगहों पर। तो ये प्रश्न, मतलब अगर आपको लगता हो तो आप दे सकते हैं कि इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा, जिसकी सभी लोगों को तारीफ करनी ही पड़ती है। जब हम इस्कॉन टेम्पल में आते हैं और जब आपके कीर्तन सुनते हैं तो अपने आप ही ना चाहते हुए मुँह से हरे कृष्णा हरे रामा निकलता ही निकलता है। वो आकर्षण भगवान कृष्ण का है, वो आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चटगांव में एक घटना घटी, जब बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा जाने लगा तो वहाँ इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के प्रभु चिन्मयानंद दास जी ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया अभी बंगाल में, और उसके बाद वहाँ की सरकार उन्हें गलत तरीके से देशद्रोह में फंसा रही है। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, और ईश्वर का मार्ग सबको साथ ले जाने का है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। लेकिन जब हम इनको सही प्रकार से नहीं समझते हैं तो हम गलत धारणाओं का शिकार बन के गुट बना लेते हैं, और एक गुट का दूसरे गुट से झगड़ा होना स्वाभाविक है। तो अगर हम अपनी गीता और अपने भागवत की शिक्षाओं को गंभीरतापूर्वक सही गुरु के निर्देशन में लें तो पूरा समाज में शांति की व्यवस्था स्थापना हो सकती है। और जो लोग सिद्धांतों को, शास्त्र को, धर्म को नहीं समझ रहे हैं, उनसे जाने अनजाने में गलती अपराध बन जाते हैं। इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उद्देश्य बड़े हैं, आयाम बड़े हैं, बड़े बड़े काम आप लोग कर रहे हैं। मतलब जो हमें दिखता है उसके पीछे आप बहुत बड़ा काम करते हैं, मतलब वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे में इसका अंतिम उद्देश्य क्या हो सकता है? ये प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी की शिक्षाएँ हैं, जो हमारे परम गुरुदेव हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को आध्यात्मिक चेतना देने के लिए इस्कॉन की व्यवस्था की, इस्कॉन की स्थापना की। तो हम लोग बड़े रेडी हैं, और हम सबसे आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप सब लोग मंदिर जाइए और मंदिर में जाकर के सत्संग सुनिए,
गीता का सीता को समझिए, केवल पाठ मत करिए, समझिए और भगवान के दर्शन करिए, प्रसाद लीजिए और अपने जीवन को सफल करिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है अप्रेज महाराज जी, जो कि पूरी तरह से इस्कॉन टेंपल लखनऊ की देखरेख करते हैं। अभी बड़ी बेबाकी से उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए, कई प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए। हमारे साथ आप सभी देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही और भी आपको हम हस्तियों से मिलाते रहेंगे। धन्यवाद।